हेलो एवरीवन, नेटबुक एकेडमी में आपका स्वागत है। यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और नेटबुक एकेडमी पे हमने 2020 सीरीज़ को लॉन्च किया है, जहां पर 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अलग अलग सब्जेक्ट के हम आपके लिए लेके आते हैं। इससे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी और एग्ज़ाम में आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो यहाँ पर हम ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को करेंगे और इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। यह हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं और देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 1, उच्चतम लवणता यानी कि जो हाईएस्ट सेलिनिटी है वो पाई जाती है कौन से सागर में पाई जाती है। आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में भी। देखिए, मृत सागर में या फिर लाल सागर में, महान साल्ट झील जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है, लेक वॉन झील, तो इसमें से चार में से कौन सा एक आंसर होगा। देखिए, इसका आंसर है लेक वॉन झील यानी कि डी, इसके अंदर हाईएस्ट सेलिनिटी पाई जाती है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, हम्बोल्ट गर्म धारा जल धारा है और दूसरा जो पॉइंट है ब्राजील धारा शीत जल धारा है। देखिए, जल धारा से हर बार एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा। जी, इसका आंसर होगा ना तो एक ना ही दो यानी कि डी, क्योंकि हम्बोल्ट जो धारा है वह शीत जल धारा है और ब्राजील जो धारा है वह गर्म जल धारा है। इसके आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर कौन सी है, यानी कि ऐसी कौन सी नहर है जहाँ पर सबसे ज़्यादा शिप्स चलते हैं या फिर शिप्स के जो कंसाइनमेंट होते हैं उसके हिसाब से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इसका आंसर होगा स्वेज नहर यानी कि डी। इसके हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन पूछा गया है क्यूबा की राजधानी क्या है। यूपीपीसीएस आजकल राजधानी बहुत ज़्यादा पूछने लगा है और ये ऐसे देशों की राजधानी पूछता है जो अक्सर हमारी नज़र में नहीं आते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, क्यूबा की राजधानी क्या है, हवाना, लुसाका, नैरोबी या फिर ताशकंद। देखिए, ताशकंद तो बिल्कुल नहीं होगा, इसका आंसर है हवाना ए, तो ए इसका आंसर है। इसके आगे बढ़ेंगे और देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, भांगड़ा परियोजना पेरियार नदी पर स्थित है। सेकंड पॉइंट है हीराकुंड परियोजना महानदी पर स्थित है। इसके आगे पूछा गया है उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ये देखिए, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि आपको नहीं पे भी ध्यान देना है, इसको आप मार्क भी कर सकते हैं पेपर के अंदर। तो इसका आंसर क्या होगा, ओनली वन, केवल एक इसका आंसर होगा। इसके आगे हम बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है। इसमें से आपको बताना है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट भी हो चुका है, काराकोरम श्रेणी, कश्मीर घाटी, लद्दाख पठार, शिवालिक श्रेणी, तो इन चार में से क्या इसका आंसर होगा। इसका आंसर होगा काराकोरम श्रेणी यानी कि ए। इसके आगे क्वेश्चन है, भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज रॉक तंत्र कौन सा है, जो हमारा सिस्टम है मिनरल रॉक का वो सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है, गोंडवाना तंत्र, कड़प्पा तंत्र, विंध्य तंत्र, धारवाड़ तंत्र। देखिए, इसका आंसर होगा धारवाड़ तंत्र यानी कि डी। इसके हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन गर्म समुद्री धारा है। देखिए, 8 क्वेश्चन का आंसर होगा ब्राज़ील धारा, ऑप्शंस हैं हम्बोल्ट धारा, गल्फ स्ट्रीम, क्रोशियस धारा, तो इसका जो आंसर है वह है गल्फ स्ट्रीम यानी कि सी, हमसे गर्म धारा के बारे में पूछा गया है। इससे हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से नागार्जुन सागर किस नदी पर स्थित है। जो हमारी नागार्जुन सागर डैम है वो कौन से नदी पर स्थित है,
इसका आंसर बताइए, महानदी, पेरियार, कृष्णा या फिर गोदावरी। इसका आंसर है कृष्णा, नागार्जुन सागर, ये कृष्णा नदी पर स्थित है। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 10th, स्विज नहर का निर्माण फर्नेस डी लेप्लेस ने किया था। दूसरा पॉइंट है, स्वेज नहर भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? देखिए यहाँ पे हमको सही बताना है, तो केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना तो एक ना ही दो। इसका जो आंसर हो जाएगा वह दोनों, ये दोनों पॉइंट्स सही हैं, तो इसका आंसर सी होगा। इसके आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11th को देखेंगे, निम्नलिखित में से एनु की जनजाति कौन सी है? देखिए जनजातियों से हर बार क्वेश्चन UPPCS में पूछा जाता है, तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि एनु जनजाति कहाँ से है। तो आपके सामने ऑप्शंस हैं, जापान, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, कीनिया। देखिए एनु जो है ये जापान से है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसके आगे हम बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार का सबसे बड़ा देश कौन सा है? देखिए कई बार क्या होता है इस क्वेश्चन में, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे रशिया क्यों नहीं दिया गया है। देखिए कई बार क्या होता है कि हमारे जो ऑप्शंस होते हैं हमें उसमें से सेलेक्ट करना पड़ता है, इस तरह के क्वेश्चंस UPPCS देता है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा। तो इसमें से जो आंसर होगा वह होगा चाइना, यानी कि सी, चाइना इन सब में से सबसे बड़ा है, लोकेशन वाइज, एरिया वाइज। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है, हमें सीमा का नाम बताना है, डूरंड रेखा द्वारा, रेड क्लिफ रेखा द्वारा, मैग्नेट रेखा द्वारा, मैकमोहन रेखा द्वारा। देखिए सारी रेखाएं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और इसका जो आंसर है वह है रेड क्लिफ रेखा द्वारा। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि मैकमोहन रेखा द्वारा कहाँ पे ये मैकमोहन रेखा गुजरती है। और इसके हम आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार है, कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में स्थित है, उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपको पता चल गया होगा कि इसमें से दोनों ही सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ना तो एक ना ही दो। इसके आगे हम बढ़ेंगे, टार्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं जो उठते हैं, कहाँ पे उठते हैं? चीन सागर में, श्याम सागर में, अरब सागर में या फिर जो है कैरिबियाई सागर में? तो इसका जो आंसर होगा वह होगा चीन सागर में, टोर्नेडोज अक्सर चीन सागर में आते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? जो नासिक शहर है वह किस नदी के किनारे स्थित है? तो हमारे यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, मूसी, चंबल, गोदावरी, कृष्णा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा गोदावरी, सी, इसके किनारे नासिक शहर स्थित है। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं, किस राज्य में साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? अरुणाचल प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। आजकल एनवायरनमेंट से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो साइबेरियन जो सारस है वो कहाँ, उसका प्राकृतिक निवास कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। इसके आगे बढ़ेंगे और 18 क्वेश्चन देखेंगे, शब्द आयरन किस खेल से संबंधित है? जो आयरन शब्द है ये देखिए काफ़ी, ये इस तरह के क्वेश्चन भी UPPCS पूछ लेता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा। इसका आंसर है गोल्फ, जो आयरन वर्ड है वह गोल्फ में यूज़ होता है। इसके हम आगे देखेंगे, ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 16 अगस्त को, 16 सितंबर को, 16 अक्टूबर को या फिर 16 नवंबर को? इसका आंसर होगा 16 सितंबर, यानी कि बी, इस दिन ओजोन दिवस मनाया जाता है। इसके आगे देखेंगे लास्ट क्वेश्चन,
उड़वाड़ा पर्यटक केंद्र जम्मू कश्मीर में स्थित है, दो पॉइंट्स दिए गए हैं। तो सेकंड पॉइंट है गुलमर्ग पर्यटक केंद्र गुजरात में स्थित है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। पहले वाले में थोड़ा डाउट आपको हो सकता है, लेकिन पहला वाला भी गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो हमारे क्वेश्चंस यहीं पे ख़त्म होते हैं और ये आंसर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। आप हमारा यूट्यूब चैनल चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पे इम्पॉर्टेंट वीडियोस आपको मिल जाएंगी और आप इसकी जो पीडीएफ है ये हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि नेटबुक एकेडमी के नाम से है यहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आने वाले दिनों में हम और भी सब्जेक्ट्स की वीडियो को लेके आएंगे।